आप मुबारक को बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, क्या कहेंगे, तारीफ हो गया था बस तारीफ, हम लोगों ने बड़ा थैंक्स किया, अप्रिशिएट किया, आप क्या कहेंगे? मैं पहले तो अपने रब का शुक्र अदा करूँगा और मैं एक चीज़ नोट करता हूँ, इसमें मुझे रूहानियत भी हुई, रोना भी आया, कैफियत भी हुई कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हम हजूर की उम्मत ही हैं, जितने भी गुनाहगार हैं लेकिन उनका जो रहमतुल आलमीन है उनकी रहमत पे बड़ा नाज है। तो आज जब मैं बैठा दुरूद पाक पढ़ के और सारे महफिल ने दुरूद पाक पढ़ा तो आप देख लें क्या कलर्स थे, क्या नूर था। और जिस तरह हमारे डायरेक्टर रफ़ी साहब ने फरमाया कि 35 साल से मैं कव्वाली करवा रहा हूँ लेकिन आज की महफिल पर नूर थी, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जिस तरह ऑडियंस दिल में इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए और गाने वाले के दिल में भी हुजूर का इश्क होना चाहिए तो बात बनती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा और आज इसकी जो अच्छी बात एक और है कि हुजूर के सदके से मेरा बेटा उबैद मियां दाद खान जो मेरे साथ आज पहली परफॉर्मेंस की थी और अल्लाह पाक ने यानी हुजूर के नाम से शुरू किया और मेरा भांजा नादे अली ये मेरे साथ है और ये बच्चों को ये देखें ना आज अवेयरनेस मिली है कि कव्वाली किस तरह होती है, हुजूर का नाम किस तरह दिल से ले जाता है। तो मैं समझता हूँ मेरे रब का मेरे बहुत शुक्र है और मैं अलहमरा आर्ट काउंसिल का बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं मसूद साहब तैमूर साहब उनका और हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे पंजाब हुकूमत का और बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे जर्नलिस्ट भाई जितने भी आते हैं मैं उससे प्यार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ऑडियंस का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।